हेलो डियर फ्रेंड्स, सुबह हो या शाम अक्सर हमारे घर में दो चार रोटियां बची जाती है। बची हुई रोटियां घर में कोई भी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो आज मैं आपके लिए बची हुई रोटियों का बहुत ही मजेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इस मजेदार सी नाश्ता को बच्चे हो या बड़े सभी बहुत ही मजे से खाएंगे और इसे बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की यम्मी सी रेसिपी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए किचन की ओर चलें। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने रात की बची हुई 3 रोटियां ली है। इन रोटियों को फेंकने से अच्छा है कि कुछ मजेदार बनाकर खाया जाए। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले रोटियों को कट करनी होगी। एक रोटी लेकर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद कैंची की मदद से बारीक बारीक काट लेंगे। देखिए, रोटियों को हमें इस तरह से काटनी है। आप चाहे तो चाकू की मदद से भी काट सकते हैं। इसी तरह से सभी रोटियों को काट लिया है हमने। जितना हो सके रोटियों को एकदम बारीक काटें। रोटियों का लच्छा बनकर तैयार हुआ है। इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसका लेयर खुल जाए और ये लच्छा अलग अलग हो जाए। अभी हम इसमें एक प्याज ऐड करेंगे। प्याज को लंबाई में कट कर लेनी है। प्याज की लेयर भी अच्छी तरह से खुल जानी चाहिए। अब इसमें थोड़ी सी नमक डालेंगे। नमक ध्यान से डालें क्योंकि रोटियों में भी नमक होती है। आधी चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। थोड़ी सी बारीक कटी हरा धनिया डालना तो बिल्कुल न भूलें। अभी हाथ में एक चम्मच पानी लेंगे और रोटियों के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। इसके बाद बिल्कुल हल्के हाथों से सभी को मिक्स कर लेंगे। ये बची हुई रोटी है तो रोटी थोड़ी सी सूखी सूखी है, इसलिए हमने इसमें एक चम्मच पानी ऐड किया है जिससे कि रोटियों में थोड़ी सी नमी आ जाए। ये प्रोसेस करने के बाद एक चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और एक चम्मच मैदा भी ऐड करेंगे। इन्हें डालने के बाद रोटी के लच्छों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जिससे कि लच्छे अच्छी तरह से कोट हो जाएंगे। इस प्रोसेस से हमारा नाश्ता स्वादिष्ट तो बनेगा ही, साथ ही क्रिस्पी भी बनेगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत ही मजेदार सा नाश्ता बन रहा है। ये रोटियों का लच्छा तो तैयार हो चुका है। चलिए अब हम स्टफिंग बनाएंगे। इसके लिए मैंने 3 बड़े साइज के उबले आलू को कद्दूकस करके ली है। इसमें एक प्याज ऐड करेंगे बारीक काट कर, 2-3 हरी मिर्च डाल देंगे बारीक काट कर, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। स्टफिंग चटपटा बने इसके लिए हम आधी चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। एक चम्मच चाट मसाला जरूर ऐड कीजिएगा, इससे स्टफिंग बहुत ही चटपटा बनेगा। थोड़ी सी बारीक कटा हरा धनिया डालकर सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें और कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस इतने में ही चटपटा सा स्टफिंग बन जाएगा। अभी हम इसके छोटे छोटे नींबू साइज के बॉल बनाएंगे। देखिए, इस साइज की बॉल बनाकर सभी को तैयार कर लेंगे। सभी बॉल्स एक साथ बना लेंगे तो नाश्ता बनाने में बहुत ही सुविधा होगी। अभी इसे साइड में रखकर एक कटोरी में घोल तैयार करेंगे। इसके लिए 2 चम्मच मैदा लेंगे और थोड़ी थोड़ी पानी ऐड करके थोड़ी सी गाढ़ी घोल तैयार कर लेंगे। इसकी घोल ज्यादा पतली या ज्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसकी थिकनेस बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए। अब हम इसमें एक आलू का बॉल डिप करेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से मैदे में कोट कर लेंगे। चम्मच की मदद से उलट पलट करते हुए घोल में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। अब इस आलू के बॉल को रोटी के लच्छे के ऊपर रखेंगे और कुछ लच्छे इसके ऊपर नीचे से लपेटकर एक बॉल तैयार करेंगे। अच्छी तरह से दबाते हुए आलू के बॉल में रोटी के लच्छों को कोट कर देंगे। देखिए, बिल्कुल इस तरह से, और गर्मा गर्म तेल में इसे डाल देंगे। सभी नाश्ते को इसी तरह बनाकर डीप फ्राई करेंगे और इन्हें सुनहरा क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे और बीच बीच में इन्हें हिलाते डुलाते हुए पलटते रहेंगे जिससे कि ये नाश्ता चारों तरफ से क्रिस्पी हो जाएगी। इन्हें पकने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। देखिए, नाश्ता का कलर चेंज हो रहा है। इन्हें धीरे धीरे पलटते रहें। जब ये चारों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी हो जाएंगे, इसके बाद हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। इससे ज्यादा फ्राई इन्हें नहीं करनी है, नहीं तो ऊपर के रोटी के लच्छे जल जाएंगे और इस नाश्ते का टेस्ट अलग हो जाएगा। देखिए, हमारा बची हुई रोटी का स्वादिष्ट सा नाश्ता बनकर तैयार है। इसी तरह से मैंने सभी नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे सर्व करेंगे। इस मजेदार सी नाश्ता को खाने के लिए आपको किसी भी चटनी की जरूरत नहीं है। ऐसे भी इस नाश्ते को आप बड़े मजे से एंजॉय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बची हुई रोटी का कितना मजेदार सा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है।
एक मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी है। तो आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की इजी और यम्मी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।